हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल हिमाचली थाली। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, दो कटोरी इसमें माह की दाल जो है मैंने डाल ली है, साबुत माह ले रहे हैं यहाँ पर। और दोस्तों, पानी भी डाल लिया है और अच्छे से दो से तीन बार दाल को धो लेंगे। और दोस्तों, जैसे ही दाल अच्छे से साफ हो जाएगी, हम इसे एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम डालेंगे पाँच कटोरी पानी, और पानी के साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक। और दोस्तों, नमक के साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं लगभग एक से डेढ़ चम्मच तेल का। तो दोस्तों, ऑयल भी मैंने डाल लिया है, अब हम इसे जो है फ्लेम पर चढ़ा देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही पहली विसल आती है तब हम फ्लेम को जो है मीडियम टू लो में कर देंगे और 35 से 40 मिनट तक दाल को पका लेंगे। दोस्तों, जब तक दाल अच्छे से पक जाती है तब तक हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, दो कटोरी चावल का आटा मैंने डाल लिया है। और दोस्तों, अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जो है बैटर तैयार करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जो है इस तरह से आटे को मैं कंबाइन कर लूँगा। एक बारी में पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे और उन्हें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और बैटर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर जो है काफ़ी थिक हो चुका है, और आप देख सकते हैं किस तरह से मैं ज़ोर ज़ोर से इसे घुमा रहा हूँ ताकि इसमें थोड़े बहुत जो लम्स हैं वो बिल्कुल भी ना रहें। और दोस्तों, इस प्रोसेस को करने में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। आप देख सकते हैं बैटर जो है कितना गाढ़ा है। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल लेंगे और इसे जो है पोरिंग कंसिस्टेंसी में ले आएंगे। तो दोस्तों, ये जो रेसिपी बनने वाली है इसे कहते हैं हिमाचल में एंकलियां। और दोस्तों, ये जो रेसिपी है ये हिमाचल के बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी के कुछ इलाकों में ही बनाई जाती है, ख़ास तौर पर बड़े त्यौहारों पर ही बनाई जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बैटर जो है पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बन चुका है। और दोस्तों, एंकलियों के साथ जो है माह की दाल और घी और शक्कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बैटर जो है पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बन चुका है। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली हिमाचली धाम की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, बैटर जो है बन चुका है, आप देख सकते हैं। लैडल से मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर जो है बन चुका है और दाल भी जो है अब तक तैयार हो चुकी होगी, अच्छे से गल चुकी होगी। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं दाल जो है अच्छे से गल चुकी है, मैं आपको लैडल से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दाल जो है अच्छे से गल चुकी है, अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले जो है दाल बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कढ़ाई मैंने ले ली है, लगभग दो से तीन चम्मच जो है घी के हम डाल लेंगे। और जैसे ही घी अच्छे से मेल्ट हो जाता है हम इसमें इंग्रेडिएंट डालना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, दो से तीन चम्मच घी डाल लेंगे। और दोस्तों, घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया। दोस्तों, यहाँ पर लगभग आधा चम्मच जो है साबुत धनिया डालेंगे। तो दोस्तों, घी जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, हल्का सा धुआं भी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। और इसके बाद जो है हम डालेंगे थोड़ी सी मेथी, आधा चम्मच मेथी डालेंगे और हल्का सा पका लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग एक चम्मच के करीब जीरा। और दोस्तों, अच्छे से भून लेंगे और जैसे ही अच्छी सी खुशबू छोड़ना शुरू करता है हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर तीन बड़े चम्मच जो है डाल लेंगे अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, और इसे हल्का सा पका लेंगे। जैसे ही एक अच्छी सी खुशबू छोड़ना शुरू कर देगा हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच के करीब, और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला। ये दोस्तों स्पेशल मसाला है, इसके इंग्रेडिएंट जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। दोस्तों, मसाला जो है बन चुका है, थोड़ा सा पानी मैंने डाल लिया है और आप देख सकते हैं
इस तरह की ग्रेवी जो है कुछ बन चुकी है। 3 से 4 मिनट तक जो है ग्रेवी को पका लेंगे और फिर जो है हम इसमें दाल ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला जो है बन चुका है, अब बारी है दाल को ट्रांसफ़र करने की। तो दोस्तों अब हम दाल को जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। पहले 1 से 2 लैडल इस तरह से डाल लेंगे ताकि टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाए और फिर जो है हम सारी की सारी दाल इकट्ठी डाल लेंगे। सो दोस्तों सारी की सारी दाल जो है मैंने ट्रांसफ़र कर ली है और दोस्तों अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं दाल जो है काफ़ी गाढ़ी है, काफ़ी थिक है। तो इसमें जो है हम 1 गिलास पानी डाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 1 गिलास पानी जो है मैंने डाल लिया है और कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी सही हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक का और दोस्तों अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। और जैसे ही एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाती है तो दाल जो है बनके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, दाल जो है अच्छे से बन चुकी है। तो दोस्तों अब हम फ्लेम जो है बंद कर लेंगे और गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिए से। तो दोस्तों दाल जो है बन चुकी है, तो दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं एंकलियाँ। सो दोस्तों एक तवा ले लेंगे, ऑयल अच्छे से लगा लेंगे और इस तरह से जो है बैटर पोर कर लेंगे। और दोस्तों बैटर पोर करने के बाद जो है हमें जो है इस तरह से जो है एक पत्ते के साथ जो है हमें बैटर को अच्छे से फैला लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप बैटर पोर कर लें तो आपको फ्लेम जो है हाई कर लेनी है। दोस्तों फ्लेम जो है हाई कर ली है मैंने इस स्टेज पे और दोस्तों एंकलियों को जो है हमें अच्छे से पकाना है। दोस्तों एक तरफ से एंकली जो है पक चुकी है और दोस्तों दूसरी तरफ जो है हमने पलट लिया है। और दोस्तों इस स्टेज पे जो है आपको फ्लेम जो है लो कर लेनी है और एंकलियों को अच्छे से पका लेना है। दोस्तों यहाँ पर हम फ्लेम लो इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम दूसरी बारी में बैटर जो है पोर करेंगे तो एंकलियाँ जो हैं एकदम से जलेंगी नहीं। तो दोस्तों दूसरी तरफ से भी जो है एंकलियों को अच्छे से पका लेंगे और फिर जो है हम बैटर पोर कर लेंगे अगली एंकली के लिए। तो दोस्तों ये वाली एंकली जो है बन चुकी है दोनों तरफ से, तो इसे जो है हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर से बैटर पोर कर लेंगे। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से फिर से बैटर पोर कर लेंगे और एक पत्ते की मदद से जो है हमें बैटर को इस तरह से फैला लेना है। और दोस्तों अब हमें फ्लेम को हाई कर लेना है इस स्टेज पे और जैसे ही हम एंकली को दूसरी तरफ से बदल लेंगे तो फिर जो है हमें फ्लेम को लो कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हम दूसरी तरफ इसे बदल लेंगे, फ्लेम को लो कर लेंगे और इसी तरह से सारी की सारी एंकलियों को हम बना लेंगे। तो दोस्तों हिमाचली दिवाली स्पेशल थाली जो है बनके तैयार है। आप देख सकते हैं दाल, घी और शक्कर और एंकलियाँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।